अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको खुंजराव में मौजूद एक ऐसे मकाम के बारे में बताएंगे जिसका यकीनन इससे पहले आपको इल्म नहीं होगा। वैसे खुंजराव में ऐसे कई खूबसूरत मकामात हैं जिनके बारे में मकामी लोग ही जानते हैं। इनमें दी नाला और यूजराव नाला शामिल है। आज जिस जगह के बारे में हम आपको बताएंगे वो यूजराव नाला है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कराकोरम हाईवे से आधा घंटे का पैदल सफर करना होगा। पैदल सफर का नाम सुनते ही लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पैदल सफर करने का अपना ही एक अलग लुत्फ है। इसका अंदाजा आप ट्रैक को देख के लगा सकते हैं। सफर का पता ही नहीं चलता और बंदा अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। ये जगह खूबसूरत होने के साथ साथ अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ एक कुदरती गर्म चश्मा मौजूद है। चश्मे का पानी निहायत ही गर्म है। इसकी गर्माइश का अंदाजा हाथ लगाकर ही महसूस किया जा सकता है। तो नाजरीन, आज हम लोग आए हैं गर्म चश्मा जो कि यूजराव केवियों के हदूद में आता है। पैकेज से हम लोग आधे घंटे की ट्रैकिंग करके यहाँ तक पहुँचे। ये जो चश्मा है ये बहुत ही गर्म है। स्टार्टिंग में हम लोग हाथ अंदर लगा रहे थे, बहुत मतलब ज़्यादा ही गर्म है। ये पूरा झील देखकर आप लोग सुर्ख हो गया है। टेम्परेचर इसकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्म है। अंदर बैठना स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किल हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यूज हो गए, इसके अंदर बैठे हम लोग। कुछ लोग यहाँ पर अपनी इसको एज ए इलाज के घर से आते हैं, जिनके हड्डियों में दर्द होता है उसके इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं लोग, इसके अंदर बैठते हैं। क्योंकि ये नेचुरली ये चश्मा है बहुत ही गर्म है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी हम लोग यूज़ हो गए, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ वो लोग जिनके टांगों और कमर के जोड़ों में दर्द होता है खुसूसी आकर इस पानी में कुछ वक्त गुजारते हैं और यकीनन मुतमईन होकर जाते हैं। अंदाजन इसका वजह कुदरती गर्म नमकीन पानी हो सकता है। गो कि चश्मे का पानी निहायत गर्म और नमकीन है, इस वजह से चश्मे के इर्द गिर्द ज़्यादा मकदार में तहालिब और स्कोरिया रोग पाया जाता है जिसको मकामी जबान में शिज्ग बोलते हैं। मोहसिन भाई, कैसा लग रहा है यार? कैसे महसूस हो रहा है? बड़ी सुकून है यार, कसम से सुकून है, मज़ा आ गया यहाँ पर बैठे हुए। तो हम अपना नाज़रीन को ये कहते चले, यहाँ तक अगर आना हो गया तो हमने अपने व्लॉग में तमाम तरह डिटेल्स दी है, पूरे रास्ते का हमने डिटेल्स दी है। फिर भी आप लोगों को कोई मुश्किल होगा तो आप लोग मुकामी लोगों से भी जो नहीं है रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।